उसका इलाज के लिए देखा जाए। अभी हम मौजूद है दुमका और पाकुड़ मेन रोड यहाँ मंझड़ा के पास, और देख सकते हैं कुछ ही समय पहले यहाँ एक दुर्घटना हो चुकी है कार और बाइक। ऐसे बताया जा रहा है कि हाईवा को साइड देने के चक्कर में इस यह घटना घटी है, और इसमें देख सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे काफी शायद बढ़िया से दुर्घटना मतलब वो हुए है बाइक और कार, जिसमें से बाइक वाला का सीरियस बताया जा रहा है, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। और देख सकते हैं गाड़ी नंबर JH04426 है, और इसमें डिलीवरी पेशेंट था, उन्हें दुमका ले जाने के क्रम में यह घटना घटी है, और काफी संख्या में यहाँ लगा दिया गया। देख सकते हैं इधर बस भी है और आगे उधर पूरा लंबी कतारें लगी हुई है और आना जाना बंद हो चुका है, और यहाँ काफी आक्रोश में है यहाँ का ग्रामीणों का तमाम ग्रामीणों का बोलना है कि इस कोयला जब से चली है तब से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और देख सकते हैं यहाँ पे यही बाइक है, बाइक और कार के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ तो बाइक पूरा आगे उतर चुका है, और और SP साइन है, और इसी में एक लड़का था जो काफी पूरा नाजुक बताया जा रहा है, और इसे रेफर कर दिया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो रोड है दुमका पाकुड़ के यहाँ मंझड़ा में है मौजूद अभी, और यह बोलना इन लोग का तमाम ग्रामीणों को बोलना है कि जब से यहाँ कोयला चली है तो कोयला चलने के क्रम में बहुत सारी दुर्घटना होते रहती है, और इन लोगों का मांग है कि इनके लिए अलग रूट बनाया जाए, नहीं तो इस रोड में कोयला चलने नहीं देंगे, और यही इन लोगों का बोलना है, और काफी आक्रोश में है। और देख सकते हैं यात्री बस फंसे हुए हैं और किन्हीं को पार होने नहीं दिया जा रहा है, और आपको बता दें कि देख इस तरह की घटना अगर यहाँ लगभग होते रहती है, और बाइक देख सकते हैं फिर से आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, बाइक है और यहाँ काफी संख्या में आए हुए हैं लोग और देख रहे हैं, और देख सकते हैं पूरा एकदम खत्म हो चुका है आगे का क्या बोलना, ओवरटेक होता है, देख सकते हैं ग्रामीणों का बोलना कि ओवरटेक होता है, सरकार को इसके ऊपर बहुत से जल्द मतलब संज्ञान लेना निकालना होगा कि इसके विषय में कि कोयला इस रूट से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे जानवर की क्षति हो रही है, आदमी डेली मर रहा है, ये हो रहा है, इसका क्या जिम्मेदारी लेगा, इसका मुआवजा क्या चुकाएगा, सरकार तो अपने बिजनेस पे जुड़ा हुआ है, किसी का इसका जल्द से जल्द इसके विषय में ब्यौरा किया जाए, और अलग से किया जाए, ये रोड में कोयला नहीं चलेगी। देख सकते हैं यहाँ काफी ग्रामीण पहुंचे हुए, उन लोगों का सबका बोलना है कि एक बकरी मरता है तो 1000 दे के सल्टा देता है और 5-10 हजार खा जाता है, मानव जीवन एक अनमोल है, इसके विषय में सरकार को कोई मकसद ही नहीं हो रहा है, सिर्फ वो पैसे पर जा रहा है, एक बाछी गाय मरेगा तो उसका कितना बच्चा होगा, क्या होगा, नहीं दे रहा। इसका जल्द से जल्द निष्कर्ष निकाला जाए, और ये जो दुर्घटना हुआ है इसका भी क्या निष्कर्ष होना चाहिए सरकार को इसके ऊपर। अच्छा, अभी जो घटना यहाँ हुई है कहाँ का ये आदमी था बता सकते हो? भंडारों का नाश्ता दुकान लड़का का, वही नाश्ता दुकान माल भंडारों वाला जो भुरकुंडा में किया है वही है, आप उसका नाक से खून निकल रहा है, बचेगा कि कौन सी होगा, भगवान का भगवान वर्ष है, भगवान वर्ष, उसके इलाज के लिए भी मुआवजा दिया जाए, कैसे उसका मेंटेनेंस होगा, खर्चा कौन देगा, जब मर जाएगा ये खर्चा कौन देगा, खर्चा कौन देगा, मर गया ये खर्चा कौन देगा, हम वहाँ पर हाईवा के लिए ये दुर्घटना हो रही है हाईवा की वजह से हो रही है, अगर इसको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए तो यह दुर्घटना खत्म हो जाएगा, पहले इस तरह नहीं होता था, जब से अभी नहीं चला हुआ तब से दुर्घटना मतलब आ रही है, तो नहीं इन लोग का देख सकते हैं काफी इसके ऊपर में जल्द से जल्द मतलब चाहे झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो जिसका भी गलती हो ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन जगह हम लोग दिए हैं, इसमें सरकार से बारंबार निवेदन किया जा रहा है कि इस विषय में सही से निष्कर्ष लिया जाए कि इसका क्या मतलब रिजल्ट आएगा। ठीक सकते हैं, देख सकते हैं काफी आक्रोश में इन लोगों का सबका बोलना है कि इस रोड में कोयला ना चले, और आपको लास्ट दिखा देते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यही कार है, और कार का पूरा आगे उड़ चुका है।
अभी हमारे साथ यहाँ छात्र नेता और छात्र नेता श्यामदेव जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे, लगातार इस तरह की घटना घटती रहती है इस रोड में, पाकुड़ रोड में। ये तो हमारा हमड़ा पड़ा हुआ दुमका रोड में जो प्रतिदिन दिन एक घटना घटती जा रही है। इसका घटना घटने का, एक्सीडेंट होने का सबसे मुख्य कारण है यहाँ पे कोयला गाड़ी का आवागमन, हवा का आना जाना। हम यही मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से कि जब तक कोयला कंपनी PGR कंपनी अपना रोड अलग से नहीं कर ले तब तक कोयला बंद रखे। जब तक कोयला कंपनी अपने अलग से रोड नहीं बनाता तब तक ये पब्लिक के लिए रोड है, ये आम जनों के रोड है। और इस रोड में कई बार जब से कोयला हमको लगता है गाड़ी चलने लगा है तब से कई अभी तक मतलब सैकड़ों से अधिक आदमी को जान जा चुका है। और जब तक ये अगर इस पब्लिक रोड से इसको बाहर नहीं किया जाता तब तक हमको लगता है ये घटना घटते रहेगी और कई लोगों की जान जाते रहेगी, किसी का बेटा या किसी का बेटी का जान जाते रहेगा। इसलिए हम आम पब्लिक का मांग है कि सरकार और आपका यहाँ का जिला प्रशासन और पाकुड़ प्रशासन इसको पहल करते हुए VGR कंपनी को बोले जब तक वो अपना रोड नहीं बनाते हैं तब तक कोयला गाड़ी बंद होना चाहिए। तो ये जो जमीन है ये तो आम पब्लिक का ही है और आम पब्लिक का जमीन में ही अपना ही जमीन में अपना ही शोषण हो रहा है। कई घटनाएं ऐसी घटी है यहाँ से आपका क्या बोलते हैं अमड़ा पड़ा से लेकर के फूलो जाना चौक तक में कई घटनाएं, रेलवे स्टेशन तक जहाँ साइडिंग है। और ये तो दुर्भाग्य हमारी कि पूरा भारत में आप चले जाइए कोई भी रेलवे साइडिंग ऐसा नहीं कि कोई रेलवे स्टेशन में कोयला साइडिंग हो। आप जामताड़ा में भी जाकर के देख सकते हैं, उसके बाद जामताड़ा में कोयला साइडिंग है लेकिन उसका रेलवे स्टेशन से कई दूर में है, 5-6 किलोमीटर के दूर में है उनका। लेकिन हमारा दुर्भाग्य संथाल परगना के लोगों का कि वहाँ पे रेलवे ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों को वहाँ का कोयला का धूला फेंकना पड़ता है। आने वाला कल में यहाँ का जनरेशन में क्या होगा, कई लोगों को दमा का बीमारी आएगा, कुपोषण का बीमारी आएगा, कई तरह से लोग पीड़ित होंगे। सिर्फ आज तो इनका जान जा रही है, कल आने वाला पीढ़ी यहाँ पे नई जनरेशन आने के लिए आज भी सोचेंगे। इसीलिए हमारी मांग है कि सरकार जब तक ये VGR कंपनी अपना रोड नहीं तैयार करते हैं तब तक ये अपना रोड को आवागमन बंद होना चाहिए। जिस तरह से पाकुड़ आपका पहले जो चलता था अभी भी चल रहा, वहाँ का VGR कंपनी ने अलग से अपना रोड बनाया।